बॉलीवुड इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 13th एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है इंडियन हिप हॉप सीन का वन ऑफ द लेटेस्ट रैपर जिसका नाम है यंगस्टर। थैंक यू भाई, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू भाई, आप आए, मतलब फाइनली वी आर डूइंग, फाइनली हो गया ये, तो रेडियो में हमने किया हुआ है। हां हां, यस, रेडियो पे कर रखा है, बट ये ब्लॉग ड्यू था, कर रहे हैं फाइनली। और सही टाइम था भाई, गुड टाइमिंग। देखो, लेटेस्ट रैपर मैंने इसलिए बोला इंडियन हिप हॉप सीन का, मैं हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, आई थिंक 2010 के अराउंड 8 तब से आप कर रहे हो, यू नो आई हैव सीन यू ग्रोइंग। और मुझे लगता है कि ये आपकी डेब्यू एल्बम रिलीज हुई है, मीन बहुत मेहनत की है, मुझे पता है, यू नो। और पहले तो ये बताओ कि यार सुकून अभी है? हाँ, एल्बम रिलीज करने के बाद, हाँ मतलब है भी, बट भाई ये कि अभी तो ये मेरे लिए ये वाला टाइम है कि हो गया एल्बम रिलीज करने का सुकून मिल गया, बट अब कर इस पे डटे रहना है, खींचते रहना, गेम खींच के रखनी है बेसिकली। हाँ। वही सीन है, तो एल्बम रिलीज करने का सुकून मिल गया, बट ऐसे ओवरऑल तो सुकून कभी मिलेगा ही नहीं, मतलब वो तो करते रहना है, वो तो आर्टिस्ट रहना है, तो वही हार्ड वायर्ड है वो। बट मेरे को ना ऐसा लगता है भाई कि ये जो एल्बम है ना, इससे ना एक यंगी का एक दूसरा अवतार निकल गया है, क्योंकि मुझे पता है उस पर बहुत मेहनत की गई है, वो भी मैं आपसे जानूंगा भी, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है, यू नो योर फ्लोज लिरिक्स सेज की बीट, जो और भी आर्टिस्ट फीचर कर रहे हैं, मुझे पता है कि, और इफ यू टॉक अबाउट द कवर, एल्बम कवर आर्ट, वो भी मतलब कि मतलब इस पर ना सबने मेहनत की है, डबल मेहनत करी है। यस, 2020 में I had ऐसा कुछ 12 और गाने बनाए थे मैंने, जस्ट टू लाइक गिव टू सेज एंड टेलिंग की ओके आई एम सीरियस विद दिस शिट एंड करना है जो भी है, तो वही है। उसके बाद हमने फिर कट टू 2021 में लाइक ओके वी हैव टू समवेयर डाउन द लाइन, दिस इज व्हाइल चांदपार वाज वी वर्किंग ऑन चांदपार, लाइक समवेयर डाउन द लाइन आफ्टर दिस इट वी आर कमिंग टू योर एल्बम। एंड तो मैं तब फिर रिइटरेट करने के लिए बैठ गया था कि क्या क्या करना है, मुझे क्या बताना है, क्या करना है, स्टोरीज की भी 2-3 कॉन्सेप्ट से डिस्कस करा हमने कि एक्चुअली करना क्या है, मतलब स्टोरीज इन द सेंस की इट्स माई स्टोरी बट हाउ डू वी प्रेजेंट इट, तो वो सब चीज़ें वही था कि ऐसा किस स्पेस में घुसना है, हाउ डू वी प्रेजेंट इट, व्हाट्स द क्रिएटिव डिसीजन कि कैसा साउंड चाहिए, क्या एस्थेटिक्स चाहिए, वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें रही हैं लाइक व्हेन अ टीम इज इन्वॉल्व, तो वो सब चीज़ें बहुत ऑर्गेनिकली डिस्कस करके निकल भी आती हैं। तो वही हुआ, मतलब ऐसा हम लोगों ने फिगर आउट करा कि अच्छा ये है, एंड सो बेसिकली आफ्टर दैट वी हैड मेड कुछ 6-7 गाने मैंने और सेज ने बनाए थे, उसके बाद हमने रूबरू बनाया, एंड सो वो फैजान ब्रो की जो स्किट है ना नोला वाली, तो वो एक्चुअली एक कॉन्वर्सेशन है, मतलब ही यू आर कॉन्वर्सेटिंग इन यूज लाइक कि ऐसा एक दिस माइट बी वेरी वो बट फॉर लाइक दिस माइट बी वेरी वेक फॉर कॉन्टेक्स्ट फॉर यू बट दिस इज वॉट आई हैव टू से, एंड वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि उसके बाद It gave me a perspective and I wrote Rubaru and when says me, so I wrote little bit of Rubaru कि मेरे को ऐसा कुछ बोलना है, and फिर मैंने सेज को बताया, तो सेज ने वो बीट स्टूडियो में, मैं फैजान और सेज थे, उसने बीट बनाई, फिर मैंने घर गया, मैंने गाना लिखा, and after that Rubaru was the point where like कि okay scratch everything before this, ये intro है, इसके आगे से चल, यहाँ से स्टोरी आगे, यहाँ से गाड़ी चलती, यहाँ से आगे स्टोरी बढ़ेगी, एंड यहाँ से सोनिक्स भी ये रखने हैं हमें, दिस ग्रैंड, दिस प्लश, दिस मतलब ऐसा पॉलिश्ड एंड ऑल्सो ग्रिटी एट टाइम्स, एंड यू नो मतलब जैसा भी सा वो स्टोरी के हिसाब से जैसे भी प्रोग्रेसिव मतलब वो होगा, बट वही बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसा मेरी और सेज की बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई हैं वेर ये सब बात करिएगी जक्सटापोजिशंस करने की, मतलब दो बहुत अलग चीजें हैं बट वो कभी ऐसा मतलब जैसे सपोज सुकून है तो वो बहुत डांस डिस्को ब्रेक बीट साउंड है, इट्स वेरी वाइब्रेंट, बट उस पे मैं
डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब वैसे उस चीजों की बात कर रहा हूँ, तो वो जक्सटापोजिशन है। फिर और भी चीजें, नास्कार, द नास्कार नीड्स ट्रैक इज इन इटसेल्फ अ होल जक्सटापोजिशन, की वहां से इट्स इन माय मेंटल देन इट्स आउट ऑफ माय मेंटल दैट वे। तो वही है कि ऐसा ये सब करना है। सवेरा में भी इफ दिस इफ इट्स अ लव सॉन्ग, नोबडी विल हैव लाइक थॉट अबाउट इट बीइंग लाइक अ डीप हाउस इंस्पिरेशन काइंड ऑफ बीट। एंड उस पर भी मैं प्यार की बात कर रहा हूँ कि तेरे साथ सवेरा, यश राज सिंह की तेरे बाद सवेरा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वो भी था कि कुछ भी ऐसा हो कि हम कुछ भी एक चीज़ जो है पहले हो चुकी है वो करनी है, बट उसको कैसे हम बिल्कुल नए उससे कर सकते हैं। और बाकी जहाँ तक रही बात जो आप कह रहे हो आर्ट वर्क की वगैरह उन सब चीज़ों की, तो ऑफकोर्स ब्रो, मतलब विभव तो उसने सबर का भी आर्ट वर्क बनाया, तो एंड ही इज़ अ जीनियस एंड वी वॉन्टेड हिम टू डू इट, बट फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ ये वो बैक एंड फोर्थ फाइनली हो गया। एंड ही आई जस्ट टोल्ड हिम कि ब्रो मेरा वैसा सम ऑफ द थिंग्स, अब वो पूरा विजुअल आइडेंटिटी तो विभव ने क्रिएट करी है, सम ऑफ द थिंग्स लाइक द ईस्टर एग्स एंड हाउ आई वॉन्ट टू प्रेजेंट देम, वो मैंने उसको बता दिया, बट उसने इतना अच्छे से कर दिया। और मुझे लगता है कि यू नो जब आप आइडिया लेके जैसा बता रहे थे यू नो कि यू आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड कि भाई मैं यू नो मेरी एल्बम होगी तो ऐसा होगा, मुझे ये चाहिए। फिर इतने सारे लोग जब काम करते हैं, फिर मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्ट नहीं कहलाएगा, उन्होंने एक घर की चीज है। हां हां एग्जैक्टली, सब बड़ा कर रहे हैं। एग्जैक्टली 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 वो सबके थॉट्स हैं और वो एक्चुअली फिर फिजिकली हो गई है, है वो सुन सकते हो, तुम देख सकते हो उसको। मतलब मेरे लिए तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला यू नो कि मेरे लिए तो भाई एक यंगी का अलग अवतार है, मतलब मेरे जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं सुनता था, और जब मैंने एल्बम सुनी फक मैन ये क्या है, यू नो फ्लो वाइज जब आप डिलीवर कर रहे हो, मेरा भाई ये तो यंगी ने कुछ करा है। ऑब्वियसली आपको भी पता है कि भाई मेरी ना ये डेब्यू एल्बम है, मुझे इस पे कितना कितनी और मेहनत करनी है। आप मेहनत पहले से करते आ रहे हो, सबको बताते हैं कि अब इंटरनेशनल मैच खेलूंगा तो फिर मैं मुझे किस तरह से डाइट लेनी है, भाई छोले भटूरे लेने हैं, वही तो इंटरनेशनल मैच ही है ना वो, वही मेरे लिए स्टार्टिंग से मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ माय डेब्यू एल्बम हैज ऑलवेज बीन व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल आर्टिस्ट, कि कान्ये की डेब्यू एल्बम का क्या लेवल रहा है, मैक की डेब्यू एल्बम का, केंड्रिक की डेब्यू एल्बम का, 50 की डेब्यू एल्बम का, फकिंग एमिनम की जो फर्स्ट ऐसा SSLP और वो MMLP वाला जो पूरा रन रहा है, तो वो सब जेजी की डेब्यू एल्बम ब्रो, रीजनेबल डाउट, मतलब दैट गाय सोल्ड इट, ही ऑल्सो रिलीज्ड इट एट द एज ऑफ 27 एंड दैट्स व्हाई, मतलब ऐसा जेजी मेरे लिए थोड़ा सा वो है, ऑल्सो रिलीज एंड ही ऑल्सो इज लाइक ऐसा, तो मतलब वही है कि वो सारे, एंड जब भी मैं डेब्यू एल्बम सुनता हूँ लाइक कि यार क्या लेवल है, मतलब एंड देर इज अ थिंग इन हिप हॉप, एक वो है कि a lot of great hip hop artists their best album is their first album, to ha to ye bhi ek quality wise bhi number wise har har cheez ke usme, to matlab wahi hai ki I was in that zone ki okay abhi tak bahut cheeze kar li hai maine, I have learned to do this, I learned to do that, ye wo chand par se leke nama cool tak, travel maker se leke mehfil shamil se leke fir aapka jo bhi war presidential ho gaya, fikar ho gaya, jo bhi jitne bhi gaane sab kar liya, but abhi tak main seekh raha tha, ab mere ko tha ki ha I am ready if, and that's why I wanted Sess because mera pehla gana Sess ke sath tha, to and I think if I'm not wrong that was his first production for a rapper also, matlab jo usne ऐसा होकर के प्रोड्यूस करा था, तो पहला दूसरा ऐसा अपना इनिशियल, तो वही था कि आई नो दैट आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दिस गाय विद वॉट एवर लाइक ऐसा, क्योंकि मेरे को अभी तक वो भी था ना कि ऐसा अभी तक महफिल वहफिल बना रहा हूँ मैं, या बेट यू नो भी चल रही है तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत मिक्स मास्टर कर रहा हूँ, वो भी है एग्जैक वाला काम कर रहा हूँ महफिल में भी, और भी लोग असुरा मिक्स मास्टर कर रहा है तो भी मैं एग्जैक कर रहा हूँ, मैं खुद मिक्स कर रहा हूँ फुल पावर के गाने, खुद मिक्स कर रहा हूँ मास्टर कर रहा हूँ, कोई और मास्टर कर रहा है तो एग्जैक कर रहा हूँ, 10 चीज़ें, तो आई वॉज ऑलवेज ऑन द लॉन्गर प्रोडक्शन प्रोसेस। मेरे को इस बार ये था कि मेरी पहली एल्बम में मैं सिर्फ रैप पे फोकस, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन व्हाट आई हैव लाइक व्हाट आई हैव टू से, हाउ आई हैव टू से इट, हाउ आई वांट टू साउंड, मेरा पूरा फोकस वही होना चाहिए, तो एंड वही 50-50 और मेरा पूरा फोकस उस पे था, सेस आई ट्रस्ट हिम विद दैट, ही ट्रस्ट मी विद दिस, तो ये होता है यू नो जब आप बड़ी चीज कर रहे होते ना तो उस टाइम पे सर आप एक ही चीज कर दो जिसमें आप जो आप मैं बाकी चीजें मैं मिक्स मास्टर नहीं करूंगा, ये नहीं जाऊंगा, वहां नहीं करूंगा, मैं आपसे मेरा काम जो है मैं ही रहूं, हां मैं आऊंगा
शॉट देके चले जाओ, जस्ट लाइक दैट. हां वही वही एग्जैक्टली. एंड दूसरी चीज ये भी है कि जैसा जो आपने बोला कि रूबरू ऑनवर्ड, तो दैट ट्रैक इज ऑल्सो वेरी स्पेशल बिकॉज दैट ट्रैक मेरे को उस गाने ने इस प्रोसेस में, इस माइंडसेट में डाला कि ओके दिस इज हाउ आई वांट टू गो फ्रॉम हेयर ऑन विथ माय साउंड एंड हाउ आई से थिंग्स एंड जो भी है. और उसकी वजह से मेरा पूरा राइटिंग प्रोसेस अब चेंज हो गया. सो नाउ इट इज लाइक, ऐसा नहीं कि वो चीज मीन तक ही सीमित है. अब उसके वो अब वो ये ना कि उस गाने से लेवल अप हो गया तो फिर वो पूरी एल्बम में रिफ्लेक्ट किया, वो बाकी जगह भी रिफ्लेक्ट करता रहेगा और वो ग्रो करता रहेगा. तो और डैड की ब्लेसिंग भी है, डैड की वॉइस भी है 100%. यू नो मैंने ये, चलो इंडस्ट्री के रिव्यू तो बाद में जानूंगा, जब एल्बम रिलीज हुई रात को ये आपके पिताजी आपको ये ट्रैक अच्छा है, सबसे पहले रिव्यू उन्होंने ही दिया. हां मैंने आपको बताया था कुछ नहीं ब्रो, मतलब भाई ऐसा रात के 3:30 बजे एल्बम रिलीज हो चुकी थी, 12 बजे में रात के 3:30 बजे ऐसे कुछ कुछ स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था क्या सीन चल रहा है. तो मेरे पापा मेरे को सुकून भेजा पहले, फिर थोड़ी देर बाद सवेरा भेजा अच्छा है, एक सुकून भेजा लेकिन बढ़िया है, फिर सवेरा भेजा करा यही बढ़िया है. मैंने कहा कि ठीक है सो जाओ, 3:30 बजे रहे क्या जगह हो, कल सुन लेना एल्बम क्या है ये. बट वही मतलब दैट्स द थिंग कि ऐसा वो जगे हुए थे, सुन रहे थे एल्बम, बोल रहे थे सही है. फिर अगले दिन ही केम टू द क्या कहते हैं लॉन्च पार्टी एज वेल, ही वाज देयर. अच्छा मैं तो मिल नहीं पाया था आपसे, सुपर बिजी ऊपर थे. नहीं ऊपर नहीं था ब्रो, मैं वही तो मैं फंसा हुआ था. आई नो बट हां भाई, बट कोई सीन नहीं, मतलब वो तो चलता रहता है, इतने लोग हैं, इतने लोग मिलने आए, वो तो सबसे ही मिलना है, वही सीन है. बट पापा आए थे तो आके देखा उन्होंने कि आई एम जस्ट ग्लैड कि ही वॉज देयर इन योर प्रेजेंट एट द एल्बम लॉन्च एंड ही कुड सी कि क्या इम्पैक्ट है और क्या मतलब रिटर्न है, लोगों का क्या मतलब लाइव रिएक्शन बेसिकली. तो अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है कि बेटा ऐसा ही कर रहे हैं. अरे उस दिन सीन तो लेट था यार. हाँ हाँ सब आए हुए थे, वो तो रियूनियन दिल्ली रियूनियन हो गया खतरनाक. अच्छा आप नहीं, उस पिक्चर में एक पिक्चर है, आप ऊपर थे आफ्टर द शो, तो जितने भी सारे सीन के खतरनाक थे कुछ खिलाड़ी आए थे, पिक्चर हमने ऐसी ले ली थी. सही सही सही, नहीं बढ़िया है ब्रो. वही है कि मेरी तो दस्ती अब पिक्चर है, बट आप भाई है कि उस दैट्स व्हाट मतलब वो शो पे ऐसा था कि मेरे को वो चीज अच्छी लग रही थी कि बिकॉज ऑफ दिस बहाना है ये सब जो भी है, बिकॉज ऑफ दिस आई एम ग्लैड दैट आई एम इन दैट पोजिशन जहां पे मैं कोई कहीं से भी आ रहा है वो पूरे सीन मेरे लिए वहाँ पे है. एंड दैट द बेस्ट थिंग, मेरे को तो वही मैं पोस्ट भी डाली थी, लग रहा है ऐसा लग रहा है मेरा बर्थडे है. मतलब वही है वो लव, वो रिस्पेक्ट है. हाँ बस वही वही ना कि भाई की एल्बम लॉन्च है, इनवाइट है, आपने मुझे पर्सनली बोला, मैं सामने का भी आ गया ना. हां पर डेफिनेटली यार, मतलब यू नो आई एम सी आई हैव सीन यू ग्रोइंग एज एन आर्टिस्ट. तो भाई वाली बातचीत है उन्होंने कि डेफिनेटली यार, और डेब्यू एल्बम है देखा वहां पूरा सीन, मतलब ये है भाई यू नो दैट्स ऑल यूनिटी. हम इतना जो न्यूज़ न्यूज़ में देखते हैं ये हो गया बीफ हो गई वो हो गई, कुछ नहीं है भाई, असली भाई होते हैं वो करके भाई. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. कल यशराज की एल्बम लॉन्च हुई ना आज, एल्बम नहीं यशराज ने किसकी एल्बम कौन हुई है, अनुनी किसकी एल्बम, अरे किसकी एल्बम लॉन्च हुई भाई, किसी की एल्बम आई है, अरे सुमयोगी की एल्बम. वो मुझे रेफरेंस मारा था उसका, सुमयोगी की एल्बम आई है ना अभी, तो वो रात को उसकी डेब्यू एल्बम है वो लाइव पर. हाँ हाँ ब्रो, I was so related to that because मैं जब लाइव आया था अपने एल्बम लॉन्च पार्टी पे, ये जिस दिन इंस्टा पे जब लाइव आया था, तो I was on that verge and my after the live my girlfriend texted me like you are about to cry, like मतलब कोई सीन नहीं. एंड when I saw that वो कि सुबह भी रो गया, मैंने कहा भाई सही है भाई, that's happiness, like that's real happiness. साउंड भी बहुत अच्छा है भाई. आपकी एल्बम का नाम है मीन, ये पाइसेस वाला मीन है ना. यस, इसका रोहन ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था. हाँ रो आपने देखा देखा दो मछली 69 करते हुए बहुत मस्त.
बट मीम क्यों लगा, मतलब योर सनशाइन और या मेरा सनशाइन, सो वो जो सन और मून जो रेफरेंस है ना मछलियों का, वो इट सिग्निफाइज द सन एंड द मून, इट आल्सो सिग्निफाइज मेरा सन साइन और मून साइन दोनों पाइसिस है. तो दैट ऑल्सो वाटर एलिमेंट सिग्निफाई करता है, वो वाटर से रेफरेंस है फ्लो का, वाटर से रेफरेंस है गोइंग विद द फ्लो, स्विमिंग, यू नो ऑल दैट. तो बिकॉज मैक की एल्बम है ना स्विमिंग, आई वॉज वेरी लाइक आई इन माई माइंड आई हैड ऑलवेज लाइक थॉट कि स्विमिंग शुड बी अ प्रोजेक्ट लाइक ऐसा, बट देन मैक ड्रॉप इट एंड आई वाज लाइक एंड ही इज माय लाइक, मैंने केंड्रिक कोल से पहले मैक सुना तो दैट वे ही इज वेरी क्लोज टू माय मतलब ऐसा हार्ट. तो वही है कि वो था, बट आई लाइक ओके आई एम वाटर साइन, मेरा ये भी है. ऑल्सो आप सर्च करोगे तो जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो ट्रेट्स आर एम्बिशियस, ड्रीमर, इमोशनल. तो ये सब सीन है. एंड व्हेन आई लाइक वाज मेकिंग इट, मेकिंग द एल्बम, आई लाइक यस ब्रो लाइक दिस इज रूबरू. मैं लाइक आई एम लिटरली व्हेन आई वाज राइटिंग आई वाज डीलिंग लेयर्स अपनी घुस घुस के खोद खोद के, तो मेरे को समझ में आ रहा था अच्छा ये भी हूं मैं, लाइक सेल्फ रियलाइजेशन. तो इमोशनल या तो मतलब वही आई वाज लाइक सेल्फ रियलाइजेशन एंड देन आई वाज लाइक कि ओके या मतलब इट्स ऑल दैट. तो एंड इट्स ऑल्सो वे टू रिप्रेजेंट कि मतलब अगर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन कम्युनिटी जो कहते हैं ना फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, तो ये था कि मेरे जैसे बहुत सारे पाइसियंस है जो उसी टाइम फ्रेम में पैदा हुए हैं, जो ऐसा फील कर सकते हैं, बहुत लोग फील कर सकते हैं ऐसा जो भी है, दैट्स अ बिगर पिक्चर, बट वो भी है. तो बाकी लोग ये इससे रिलेट कर सकते हैं, गोइंग विद द फ्लो एंड वट एवर आई सेड इन माई लाइफ, एंड वो उनकी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं. बट भाई ये सब दो तीन लेयर्स में काम करती है, जो नाम है वो दो तीन लेयर्स में काम करता है, उस अकॉर्डिंग आपने वो नाम रखा. सही मीन अच्छा ना, मतलब मतलब वही ना कि हम जब बात करते हैं तो पता चलता है कितनी रिसर्च है, कितने डीप घुस के आपने उस पर काम करा फिर नाम रखा है. अच्छा मेरे को बताओ भाई इंडस्ट्री से यू नो क्या क्या रिस्पॉन्स, वैसे तो रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है एल्बम को, बहुत अच्छा मिल रहा है, बट किस किस एनी स्पेसिफिक आर्टिस्ट जिसने आपको यू नो टेक्स्टेड यू और गिव यू अ कॉल कि भाई एल्बम सुनी आपकी? मतलब वैसे तो बहुत लोगों ने बोला, जो प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो भी, और जो दोस्त लोग हैं वो भी, सब ने ही बोला है मतलब हर जगह से, मतलब जितने भी लोग हैं जिनको मेरा जर्नी पता है, जिन लोगों जिनको मैं एज अपर जंगी या यश पता है जिनको कि मैं कौन हूँ, उनको सब ने बहुत बोला है. बट सबसे बड़ा तो यही है कि इक्का भाई एल्बम पे हैं, इक्का भाई ने बोला भी कि बहुत अच्छी एल्बम है. कश्मीर ब्रो ने सुनी, कश्मीर ब्रो ने बोला बहुत अच्छी एल्बम है, मैंने कहा सही, उन्हें शेयर भी करा था. फिर अंकुर तिवारी सर ने मेरे को टेक्स्ट करा कि बहुत अच्छा काम है एंड ये, फिर मैंने उनसे मिला भी था मुंबई में, तो उस बात करी क्या सीन है वो सब जो भी है. तो वही है मतलब ये सब चीज़ें हैं, बाकी तो और तो लोग हैं ही, मतलब मुनावर भाई ने भी सुनी, मुनावर भाई से ही मिला था. वही है काफ़ी काफ़ी अलग अलग सेक्शंस के लोग सुन रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक कि सही है, मतलब कुछ तो सही करा है. भाई लेट्स टॉक अबाउट कोलैबोरेशंस, कि यू नो एल्बम में यू नो इक्का भैया है, सीधे मौत है, रागा भाई है, एक जैसे बोलते ना मैनिफेस्ट करते हैं. तो लेवल अप पे मैं थोड़ा सा लेट आया था शूट में, मैं नोएडा वाले में नहीं था. ब्रो ये बताओ ना भाई, तो ये बताओ, मैं लेवल अप वाले पर नहीं था, लेकिन उस मुझे याद है उस टाइम पे ना 1:30 बज रहे थे, मैं स्टूडियो में चिल कर रहा था, मैं और मेरे दोस्त खन्ना भाई हम बैठे हुए थे आराम से. तो मैंने बंटी भैया की स्टोरी देखी, शूट चल रहा है, बोला कि आ जाओ अभी यहाँ से तुम निकल रहे तब तक तुम पहुंचोगे होटल, नहीं नहीं वो वाला वाला बुद्ध सर्किट, हाँ समझ गया, तब तक तो लेट हो जाएगा. तो तुम ऐसा करो, वो आई थिंक दिल्ली और नोएडा के बीच में एक होटल था, वही तो कह रहा हूँ, होटल नहीं वो क्या होता है कोई कोई अपार्टमेंट, अपार्टमेंट हाइब्रिड शिट था, कुछ तो था वो, कुछ बहुत ही खतरनाक अपार्टमेंट थे, बहुत ही एक्सपेंसिव शिट थे, वहां पर शूट था. तो वहां पर डिवाइन भाई तब मिले, तो वो मैंने ये रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि वहां मैं भी होता
हम सारे थे जो दिल्ली हिप हॉप वो वहां पीछे था पूरा भाई को सपोर्ट करते हुए. अब स्ट्रेट उसके बाद यू नो आप थे पीछे ठीक है. यस यस हम इक्का भाई को चीयर अप कर रहे थे आप कर रहे थे ठीक है. उसके बाद सीधा यू नो इक्का भाई ऑन योर एल्बम एंड दैट टू मास अपील प्रोडक्ट दोनों मास अपील दोनों हां वो भी है. तो ये यू नो मुझे लगता है जैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए बहुत बहुत अच्छी चीज होती है कि हो जाता है चीज नहीं करिए. तो पहले तो उसके बारे में बताओ यू नो कि कैसे अप्रोच किया आपने इक्का भाई भैया को. इक्का भाई ने मतलब वही उस टाइम मिले थे दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट आई एक्चुअली मेट इक्का भाई इन पर्सन. उसके पहले एक बार दो बार बात हो रखी थी सही है मतलब जो भी है लाइक योर स्टफ लाइक दैट. प्रकाश शूट कर रहा था तो उसने उसने एंड वही मैंने बोल भी रखा ना कि इन्फ्लिक्ट और मैं बचपन में गाने सुना करते थे और इन्फ्लिक्ट ने वो चीज मैनिफेस्ट कर दी कि वीडियो करना वीडियो करने से वीडियो कर दी. और फिर उसने मेरे को बोला कि क्या सीन है क्या कर रहा है तू आ जा. तो मैंने कहा चला आ जाता हूँ मतलब वैसे मैं पहले मिला नहीं हूँ जो भी है बट इक्का भाई बीइंग इक्का भाई इज वेरी वेलकमिंग एंड तो आई वाज लाइक कि ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितनी बार मिल चुका हूँ. बट वही है फ्रॉम मी बीइंग देयर इन लाइक इन द वीडियो विथ इक्का भाई टू हैविंग इक्का भाई ऑन माई ओन ट्रैक एंड दैट टू कमिंग आउट ऑन मास अपील इट्स अ फुल सर्कल ब्रो. भाई इस एल्बम में ऐसे बहुत सारे फुल सर्कल मोमेंट्स है रियली मतलब दिस इज वन ऑफ देम. कितने ही है ब्रो बट ये इट्स वन ऑफ द बिगर मोमेंट्स फुल सर्कल मोमेंट्स ऑन दैट. सही मतलब मैं देखा अच्छा लगा. अब तो सीधे मौत तो भाई लोग अपने रागा भाई भी वैलिडेशन मिल जाती है लाइक ओके ही इज डूइंग समथिंग नाइस तो अब ही हैज द सपोर्ट ऑफ द पीपल दैट ही लुकड अप टू. तो अब उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो ये सब चीज़ें होनी थी जो दो ये. तो वही है कि ये चल रहा था कि इतने करना है मतलब ये तो दिस इज यहाँ पे वो कंक्लूड हुआ है. सी सुनो के बाद वो चल रहा था इतने टाइम से कि कब फिर ऑन कर रहा जाएंगे कब फिर ऑन कर रहा जाएंगे तो वो भी कंक्लूड हो गया. काम से मेरी पर्सनली बात हो रही थी कि भाई एक गाना है काम का और मेरा बहुत पुराना साउंड क्लाउड पे उसके बाद ऐसा आज सीधे मौत गो करा है फिर ओनो करा है फुल पावर ये एज यंगस्टर पे सीधे मत. बट मेरा और काम का कोई गाना नहीं था तो वो ही था कि बहुत टाइम से कि काम को करना है. मेरे को चुल मच रही थी कि काम को करना है फीचर काम हैज टू बी लाइक देर हैज टू बी अ काम एंड देर हैज टू बी अ फ्रैपे क्योंकि स्लैम बुक और महफिल में फ्रैपे मतलब स्लैम बुक में मेरा फीचर नहीं है महफिल में फ्रैपे का फीचर नहीं है बस वो स्किट है फ्रैपे स्किट करने के लिए. तो वो है तो जंकी में भी मतलब मेरा एक गाना होगा और इसमें फ्रैपे का एक गाना होना था तो मैंने कहा कि अच्छा एंड वही है कि वो दोनों मतलब जो ये दोनों फीचर्स हैं वो ऐसे वर्क करते हैं कि जब वो स्टोरी स्टार्ट होती है जब वो लड़का दिल्ली आता है तो उसके जो दोनों दोस्त हैं वो भी दिल्ली के नहीं है. काम भी नैनीताल का है ऐसा सीन है और फ्रैपे भी रुड़की का है तो वो दोनों लड़के दिल्ली के नहीं है तो दैट रिप्रेजेंट्स द होल कम्युनिटी ऑफ द बिगर पीपल जो दिल्ली के नहीं है बट वो दिल्ली में पता नहीं कितने सालों से हैं दे आर एज दिल्ली एज इट गेट्स. तो वो है एंड देन इन दी एंड जो दो लड़के जिनको आप कहोगे कि कट्टर दिल्ली के लौंडे हैं जो ऑनकोरे बीजे एंड रागा वो है एंड दैट्स अ मेटाफर फॉर लाइक द स्टोरी कमिंग टू अ फुल सर्कल वेयर दिल्ली फाइनली एक्सेप्ट्स जंगी एंड इट्स वो कि ओके ये सब तो होना ही था एंड एम्ब्रेस कर लिया सही. तो वही एंड दैट्स हाउ इन द स्टोरी ऑल्सो इट वर्क्स कि वो सुनो वाला एंगल भी है कि सुनो भी होना ही था तो हैप्पी एंडिंग. अच्छा भाई मुझे बताओ विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम एंड व्हाई. थोड़ा मुश्किल है आंसर करना क्योंकि पूरी स्टोरी है मैंने मेरे लिए ये पूरी एल्बम एक लाइक सारे गाने मिला के एक बड़ा गाना बनता है मतलब समथिंग लाइक दैट पिक्चर है वो मेरे लिए कि सब कुछ तो सारे ही हैं. बट रूबरू इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि रूबरू से ही पूरी एल्बम शुरुआत हुई है वहीं से सब कुछ हुआ है तो रूबरू इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो दैट वे नास्कार इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो गाना मेरे सबसे पर्सनल पॉइंट से लिखा है कि उससे ज़्यादा पर्सनल शायद ही मैं कभी हुआ हूँ या हुआ भी हूँ तो उतना कैरेक्टर पकड़ के मतलब दैट होल बेसिंग द होल ट्रैक ऑन लाइक दिस ग्लिम्स ऑफ मी बीइंग पर्सनल अबाउट माय सेल्फ बट
और भी चीज़ें हैं, बट ये गाना मैं बहुत पर्सनल था, तो ये सब है। और भी सारी गाने ब्रो, मतलब ऐसा दिल्ली भी बहुत क्रेजी बैंगर है, मतलब ऐसा सीन है। सवेरा इज अ नेवर डन बिफोर थिंग, जीना इसी का नाम इज अ नेवर डन बिफोर थिंग, सुकून इज अ नेवर डन बिफोर थिंग, बैंगर भी है, इमोशंस सब वही है ब्रो, वही है। मतलब ऐसा इज जस्ट दैट कि एवरी ट्रैक होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस एंड पोजिशन फॉर मी इन माई लाइफ, दैट्स वाई इट्स माई डेब्यू एल्बम। बट रूबरू ज़्यादा स्पेशल, रूबरू बिकॉज वहीं से स्टार्ट होता है। वही सही, बढ़िया। मतलब मेरे को तो तीन चार आया, देखो दिल्ली मुझे बहुत सही लगा, दिल्ली रूबरू मुझे बहुत, रूबरू को मुझे एंड में जो गिटार सुकून, और कौन से में इक्का भैया फीचर है, टोटका, टोटका, हाँ टोटका की बीट और जो उनका वर्स आता है ना, बड़े अस्सी है। अरे भाई जब मैं सुना था, अरे मेरे काले सर ने, अरे ये क्या है, ये कौन से, वो मेरा फेवरेट है। सही, हाँ ब्रो, मतलब भाई ऐसा टोटका भी बहुत, क्योंकि ऑफकोर्स उस गाने पे फाइनली आई गॉट इक्का भाई का फीचर एंड दैट ट्रैक, एक्चुअली टोटका इज वन ऑफ द ट्रैक्स, आई थिंक दो गाने हैं जो जीना इसी का नाम एंड टोटका आर द टू ट्रैक्स जो बहुत टूटे हैं, बहुत बार रीराइट हुए हैं, बट इनिशियल जो फील है वो स्टार्टिंग से, जो मैंने गाने बनाए थे ना 12 गाने 7 गाने, उन सब में से मैंने, हमने ऑल द बीट्स एंड एज अ ट्रैक हमने सब कुछ स्क्रैप कर दिया था, बट एज द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया टोटका एंड जीना इसी का नाम स्टार्टिंग से रहे हैं, तो दैट्स वाई दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि ओके ये गाने स्टार्टिंग से रहे, दे मेड इट टू द फाइनल कट एंड दे आर देयर बेस्ट वर्जन्स फॉर मी। सुकून बिकॉज ऐसा कभी गाना मैंने करा नहीं, आई वॉज वेरी लाइक, मैं बार बार सेट से पूछा था कि ब्रो आर यू श्योर कि ये, क्योंकि इसमें बहुत वही है ना कि एक तो जक्स्टपोजिशन ही है कि मैं बोल कुछ और रहा हूँ, बीट पॉप ये है वो है, बातें कुछ और हैं, वही कुछ, हाँ वही तो ये करना है, बट वो गाना इतना अच्छा था लाइक कि ब्रो डालना तो है ही है, एंड आई वाज जस्ट वो एंड ही वाज लाइक अरे तू टेंशन मत ले। फिर जो मेरा पहला क्या कहते हैं रिएक्शन, मतलब बाकी लोगों को छोड़ के ऐसा पहला इंडस्ट्री मास अपील का जो रणवीर है, उसने मेरे को टेक्स्ट करा, उसने मैंने कहा फेवरेट गाना, उसने बोला जीना इसी का नाम है सुकून, मैंने कहा व्हाट। तो मतलब भाई ये किया लाइक सही है, मतलब एवरीथिंग वर्क्स, तो भाई लाइक ऐसा क्योंकि पहली पहली बार करते हो तो समझ में नहीं आता है कि मतलब कैसे, क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा गाना है, बट मैंने ना कभी मैंने सुना है कुछ ऐसा कि कोई ऐसी बीट पे ऐसा रैप कर रहा हो ना, मतलब भाई है तो लाइक हाँ, मतलब मेरे लिए जब नहीं हो तो मेरे ऑडियंस के लिए या लिसनर के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई भाई भाई, क्योंकि मेरे को तो अच्छा लग रहा है बट मैंने खुद पहले नहीं सुना है कभी ऐसा, इनसे वेरी न्यू थिंग, तो पता नहीं उसको एक्सेप्ट हो पाए, समझ में, एक्सेप्टेंस की बात नहीं, समझ में आना चाहिए वैसा कि अच्छा इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, उस चीज का वो ऐसा क्यों है, क्यों तो क्योंकि है तो एंड में गाने ना, ऐसा हो सकता है लोगों को लगे कि क्या चल रहा है दैट वे, बट आई एम जस्ट ग्लैड कि सुकून इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स ऑफ द पीपल एंड फॉर मी ऑल्सो, भाई है ना, अलग अलग रीजन से अलग अलग हर गाने होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस। बिल्कुल भी लगा जब सुना था मेरा ना, बीट बहुत अच्छी है, बातें तो कुछ और है, हाँ तो मेरे को उसको ना कुछ अलग है, हाँ वही एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं वही दैट्स व्हाई एवरी ट्रैक इज कोई मतलब ऐसा नहीं कि कम ज्यादा सब कम ज्यादा सही, आई गॉट इट भाई। और देखो भाई, आई गॉट इट भाई, यू नो एल्बम के बारे में काफी बात कर चुके हैं, पीपल आर लिसनिंग टू योर एल्बम, स्ट्रीमिंग कर रहे हैं दबाकर, एक चीज जो मैं अभी मतलब आपसे जानना चाहता हूँ, वैसे मैं बाद में पूछा था बट मुझे एक सडनली से बाद में आया, अभी आपकी फ्रेश एल्बम डेब्यू एल्बम रिलीज हुई है, ठीक है, अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे आर्टिस्ट एंड लेबल्स वो वीडियो में वीडियो इतना कर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि आई थिंक यूट्यूब इज डेड, आउटकम नहीं है उसका, ठीक है, निकले रिजल्ट निकले ना निकले, मोस्टली यू नो लेबल्स एंड आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट भी अगर कोई है तो वो भी स्ट्रीमिंग को सब फोर्स कर रहे हैं कि स्ट्रीमिंग जाके सुनो हमारा ये करेंगे, बट जैसे आपकी एल्बम में 11 ट्रैक है, ठीक है, तो अब आपने भी सोचा होगा कि यार आपने क्या सोचा, मतलब कि इतने गाने बनाऊंगा, या आपने सोचा है कि क्या बोलते हैं देखता हूं मैं 3 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद कि जो गाने फट रहे हैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, मतलब ये आइडिया है, इनिशियल आइडिया वाज कि रूबरू इंट्रो इसकी वीडियो होनी चाहिए, एंड जस्ट सो हैपेंड कि होना ही था इज द लास्ट सॉन्ग, एंड उसकी वीडियो होनी चाहिए क्योंकि इट्स सुनो का लेगेसी है, वो मेरे दोनों दोस्त हैं उसमें, उसकी वो इतना भेड़ा गाना है, तो मतलब कल्मिनेशन पॉइंट है वो पूरी स्टोरी का, तो उसकी वीडियो होनी चाहिए थी, तो
एंड ऑल्सो एक वो भी आ गया था कि अवेयरनेस की ओके सिंस ये दोनों पहले और आखिरी गाने हैं तो वी नीड टू मेक इट एन एक्सपीरियंस कि लोग एल्बम में घुसे विजुअल्स के साथ, पूरा एल्बम सुने और फिर निकले विजुअल्स के साथ. तो वो एक वो था एंगल था. अब ये है कि ऑल्दो है हमारे पास भी कि अच्छा कौन से गानों की कैसी कैसी वीडियोस बननी है, बट वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो. वी जस्ट कि ओके अच्छा अभी इस गाने का कर सकते हैं, इस गाने का कर सकते हैं, किसका करना है, मेरे को इसका करना है, तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है. दैट्स हाउ वी आर वर्किंग ऑन, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन कपल ऑफ लाइक मोर वीडियोस कि कैसे क्या करना है. तो बट ये ना कि मैं ये रीजन भी ये एक रीजन ये भी था पूछने का कि अब कोई वीडियो को उतना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं कर रहा है. नहीं तो ब्रो मतलब मेरे लिए ये है कि जितना अच्छे से आइडियाज के साथ आप बता सकते हो, अगर विजुअल्स का मीनिंग कुछ सेंस बन रहा है, जरूरी है डालना, तो डालना जरूरी है. फिर तो कोई तरीका और कोई वही नहीं है. तो दैट्स वाई रूबरू, दैट्स वाई होना ही था, क्योंकि वो दोनों गाने रूबरू टेल्स माई स्टोरी होना ही था, टेल्स माई स्टोरी विथ एवरीथिंग अराउंड इट. अब बीच में हमें क्या करना हुआ, हम फिगर आउट कर रहे हैं कि कौन सी किस गाने को यूज करके हम एल्बम का पूरा सार निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी हर गाने की वीडियो करता नहीं है. एंड अभी वैसे भी जो आपका वो था कि नहीं कर रहे स्ट्रीमिंग जरा कुछ कर रहे हैं, वो भी इसलिए आई फील क्योंकि YouTube इज अ कॉन्टेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ म्यूजिक बेस्ड प्लेटफॉर्म, राइट. एंड बाकी सब जगह हम तो गाने बना रहे हैं ना, तो हमें एंड दैट्स व्हाट टचवुड फुल पावर हैज लाइक बोथ ऑफ अस मी फ्रैपे फुल पावर इवन लाइक मूवमेंट्स है जो भी है हम लोग सब इवन सीधे मोहते हैं एवरीबडी अराउंड अस. हमारा हमेशा से ये बोल रहा है कि ब्रो यूट्यूब व्यूज नहीं चाहिए, सॉरी हमें स्ट्रीम्स चाहिए, हमें गाने सुनाने. एंड फ्लेक्स बेब पे जब 50 कुछ ऐसा 30,000 या 40,000 प्लेस थे, तो फ्लेक्स बेब के स्पॉटिफाई पे कुछ 90,000 लाख स्ट्रीम्स के आसपास थे. तो हमारा स्टार्टिंग से वही रहा. विश यूर एयर के भी आई थिंक स्पॉटिफाई पे मिलियन पार प्लेज हैं एंड यूट्यूब पे कुछ 2.5 लाख 3.5 लाख 4 लाख हैं. पहले से क्लियर था, हाँ वो स्टार्टिंग से सबका क्लियर है, क्योंकि वही है ब्रो कि कंटेंट अब वी कैन नॉट कम वहां पे, तो एल्गोरिदम एंड वो सारी चीजें जो भी हैं वो कहीं ना कहीं पीक करती हैं, वो पीक कर चुकी हैं. वेयर ऑफकोर्स जो बंदा व्लॉगर है, जो बंदा रोज वीडियो बना के डाल रहा है, उसका बाय डिफॉल्ट वो ज्यादा कुछ करेगा, क्योंकि उसमें अब ये नहीं है ना कि वो तो गाना अलग से कुछ कर रहा है, ये अलग से कुछ कर रहा है, वो अलग से कुछ कर रहा है. तो और ये और दूसरा है कि रिवर्स वो है इंजीनियरिंग की, भाई अगर गाना फट गया स्पॉटिफाई पे, अगर एक्चुअली लोग सुन रहे हैं तो फिर वीडियो पे तो प्लेज आ ही जाएंगे यूट्यूब पे. और फिर अगर उसका वीडियो नहीं तो वो तो बनाना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि यू नो पीपल फॉर योर फैंस लिसनर डिमांड करते हैं. नहीं ब्रो मतलब मेरे साथ ये भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर कल को मान लो नास्कार को ले लो, चलो एक एग्जांपल ले लो, नास्कार नीड्स को ले लो, कि उसकी वीडियो मेरे को करनी है, बट मेरे दिमाग में एक सर्टेन वीडियो है, वो एक एक स्टैंडर्ड है. अगर उसके नीचे कुछ भी अगर वो कह रहा है कि भाई हमारा अभी लाइक वी आर नॉट फिगरिंग आउट द राइट वेज टू प्रेजेंट इट प्रॉपरली, I won't do it. भले ही कितना भी फट जाए वो, क्योंकि गाने को जैसे कामयाबी है, मेरा कामयाबी आज से 5-7 साल बाद 10 साल बाद जब लोग मेरा डिस्कॉग चेक करेंगे, कामयाबी इज द वन ट्रैक जहाँ पे वो बोलेंगे कि ओके दिस इज वेयर यंगी स्टार्टेड कमिंग ऑन हिज ओन ऑन हिज सोलो एंड सैंड लाइक फिगर इट आउट. तो बट उस गाने का कभी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वो गाना मैंने इसलिए रख रखा है कि हाँ भाई सुनो मतलब क्योंकि वही है विजन, हाँ वही है कि वो गाने है. तो ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जो बस सुनने के लिए डालते हो, कितना भी फटे उसकी वीडियो शायद हम ना बनाए. अब उसके साथ ये भी है कि मोर देन म्यूजिक वीडियोस बीइंग द ड्राइविंग फैक्टर फॉर अ रिलीज, नाउ इट्स अ टूल टू प्रोपगेट द रिलीज, क्योंकि अब शॉर्ट्स वगैरह हैं, ये सब 10 चीजें हैं, 10 टूल्स हैं, हर चीज है. बट हाँ अगर किसी गाने को और फाड़ना है, अगर उससे सेंस बन रहा है कि इसमें ऐसा कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, इट्स अ टूल, यू शुड डू इट. क्योंकि वही है, अगर कितना भी कुछ अगर वो इफ इट्स गिविंग अ पुश इट्स नाइस. एंड ऑल्सो हमारा स्टार्टिंग से यही रहा है कि वीडियोज अच्छी बनानी है, पैसे का इतना वो नहीं है,
रिसोर्सेज यूज करके जो भी करके वीडियो अच्छी बनानी है, वीडियो अच्छी है तो, एंड वो मतलब ऐसा कभी कभी गानों के उसमें काम कर, हित में काम कर जाता है कि बहुत सिंपल वीडियो बहुत अच्छी है, अच्छी है। तो एंड नाउ ऑल्सो देर इज लाइक, अगर आपने देखा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं वीडियोज प्रेजेंट करने के। गाना अभी केंड्रिक लमार का काउंट मी आउट करके एक ट्रैक है, वो गाना कुछ और ही है उसकी वीडियो में, वो हेलेन मिरन से क्या कहते हैं, वी फकिंग बॉट हेलेन मिरन ऑन दैट, एंड वो बात कर रहा है थेरेपी की, और वो गाना फिर दूसरा एक कुछ और वर्जन उस गाने का चलता है, तो अलग अलग वो भी एक काइंड ऑफ एक्सप्रेशन का फॉर्म भी है। इट्स एवरीथिंग ये, बट मोस्टली है कि यू नो Streaming is the best thing right now. Yes, yes, 100%. क्योंकि गाने बनाने हैं ना ब्रो, हम गाने म्यूजिशियंस हैं, हमें गाने रिलीज करने हैं। आजकल तो कितने वेस्ट के आर्टिस्ट हैं जो डालते ही नहीं है, एल्बम डाल देते हैं, वीडियो डालते ही नहीं है। तो जेजी ने 444 की पूरी एल्बम डाल दी, एक वीडियो नहीं डाली, डाली भी है तो क्या कहते हैं अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एक वीडियो उसमें आर्ट गैलरी में लोगों के लिए रैप कर रहा है, कुछ और एक में कुछ और है, तो वही है सब। वीडियो वीडियो एक एनिमेटेड वीडियो है उसकी, स्कूल ये स्टोरी ऑफ ओजे की एनिमेटेड वीडियो है, वही अलग अलग तरीके। तो बेसिकली ये कि मेन फोकस अपना स्ट्रीमिंग पर है जो आर्टिस्ट। यस यस भाई, 2010 से लेकर 2023 आ गया, यस ये जर्नी थी, ये कैसी रही, क्या क्या सिखाया आपको, किन किन ने सपोर्ट करा, फैमिली का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, फ्रेंड्स का? सबका कंट्रीब्यूशन है ब्रो, मतलब ऐसा मेरी फैमिली ने मेरे को ऑफ कोर्स लाइक द कमिंग फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम गोरखपुर, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कि कोई करा ही नहीं है रैप क्या होता है, किसी को कुछ पता ही नहीं है म्यूजिक, म्यूजिक बस ये पता है कि ठीक है म्यूजिक कर सकता है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। एंड बात इसकी भी नहीं है ना कि म्यूजिक है, उनको नहीं पता है कि रैप क्या होता है, तो उनको कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि बाहर का क्या इकोसिस्टम है, क्या सिनेरियो है, कौन कितना अच्छा रैप कर रहा है, वेयर वेयर इज मैं। अब ऐसे देखोगे तो अगर मैं गाऊंगा तो मेरे माँ बाप बोले ऐसा कि माँ बाप बोलते कि भाई हाँ ठीक है तू गा सकता है, तू अच्छा गा लेता है, तेरी आवाज अच्छी है, बट यू आर नॉट द बेस्ट सिंगर आउट देयर, दिस इज अ फैक्ट, आई एम नॉट, एंड दे हैव अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट क्योंकि उन्होंने और सुन रखा है, बट उन्होंने रैप तो सुना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं था कि क्या सीन है, क्या कर पाएगा, कितना क्या उसका कुशलता कितनी है बच्चे में और जो भी है, तो वो सब सीन थे, दैट्स वाई। बट हाँ ये है कि भाई पेरेंट्स हैव ऑलवेज काइंड ऑफ सपोर्टेड मी टू कीप डूइंग इट, बिकॉज मेरा उनका बस ये था कि चलो ही ये कुछ भी कर सकता था, बट ये स्कूल पढ़ाई लिखाई कॉलेज के बाद ये करता है, कुछ प्रोडक्टिव करता है, एंड उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी मम्मी का भी है क्योंकि वो भरतनाट्यम ओडिसी ट्रेन डांसर थी, एंड वो पढ़ा मतलब ऐसा शी यूज टू टीच ऑल्सो बच्चों को प्रॉपर लाइक ट्रेनिंग, ऐसा डांस कोरियोग्राफी करती थी, शी वाज अ कोरियोग्राफर ऑल्सो फॉर स्कूल्स एंड अदर, मतलब मेरे स्कूल में दूसरे स्कूल्स में काफ़ी, तो एंड इवन लाइक व्हेन शी वाज अ प्रिंसिपल वो फिर भी अपने बच्चों को मतलब कल्चरल में वो वही कोरियोग्राफ करती थी सब। तो मैंने देखा है कि ऐसा म्यूजिक से मेरे पापा जब हम लोग नेपाल वगैरह जाते थे, गोरखपुर से बहुत पास है नेपाल, तो हम लोग वहाँ से जब भी नेपाल जाते थे तो आबिदा परवीन की गज़ल, जगजीत सिंह के गज़ल, और फिर और दसियों गाने लेजेंड हाँ जो भी है, सब पुराने गाने, किशोर दा के गाने और आर डी वर्मन सर के गाने, रफ़ी साहब के गाने, जो भी हैं जितने भी लोग हैं सब लेजेंड्स, सब सुनाया है, इंडियन आइडल वगैरह ये सब देखते थे, तो वो रहा है कि अच्छा ठीक है हम सैटरडे संडे बैठ के म्यूजिक एंजॉय करेंगे, तो वो म्यूजिक एंजॉय करने वाला फैक्टर भी, दैट रेफरेंस आई गॉट फ्रॉम देयर। फिर दोस्तों से भी मतलब वही है कि मेरा एक दो दोस्त रहे हैं जो एक्चुअली समझते थे कि हिप हॉप क्या है, बाहर क्या चल रहा है, पॉप म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये सब। बिफोर बींग अ रैपर आई वॉज इन टू रॉक म्यूजिक जो मैं सुनता था, मैं हिप हॉप मतलब ऐसे मम्मी डांसर थी तो मैं भी बी बॉइंग करता था स्टार्टिंग में, एंड हिप हॉप लगा के जो भी है, बट मेरा दिमाग का भी लिरिक्स पे इतना उस वक्त ध्यान, दिस इज वे बिफोर लाइक 2004 इन माय फोर्थ क्लास आई हैड हर्ड स्टिल ड्रे, बट मेरे को कभी प्रोसेस नहीं होता था कि बिकॉज उसमें टिंग 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 है, तो मेरे को मस्त लगता था सुन के कि ओके ग्रूव है, अच्छा म्यूजिक है, मैं डांस भी करता हूँ तो मेरे को पता है कि मैं डांस कर सकता हूँ, बट समझ में नहीं आता था कि क्या है, तो एक मैं सुनने के लिए रॉक सुनता था क्योंकि उसमें गिटार बज रहा है, वो गा रहा है, वो बोल रहा है, कुछ मजा आता सुनने में। तो
सही था वो सब चीजें थी. उसके बाद फिर इन समवेयर इन बिटवीन आई वाज लाइक ओके, मैं एक दिन बैठा और सुना कि क्या बोल रहा है. स्टिल ड्रे ही सुन रहा था मैं. चार साल बाद आई थिंक इवन मोर, 5 साल बाद मैंने वापस से सुना स्टिल ड्रे. आई एम लाइक कि ये तो कुछ बोल रहा है एंड ऐसा सीन है. एंड तब तक मैंने थोड़ा बहुत, मतलब मेरे पास, मैं तब तक ऑलरेडी बहुत हिप हॉप सुनता था बट आई डिड नॉट नो, क्योंकि वो नेपाल में वो सारी सीडीज मिलती थी ना जिसमें अननोन एल्बम 1, अननोन ट्रैक 1, अननोन आर्टिस्ट 1, मेरे को पता ही नहीं है मैं क्या सुन रहा हूँ. बट बाद में फिर मेरे को थोड़ा बहुत इंटरनेट आने लगा तो फिर आई गॉट इनटू इट. री बहुत सारे आर्टिस्टों के गाने डालते थे, सस्ती बेचते थे. हाँ हाँ वही 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 वही. तो और वो चीज भी उधर थी क्योंकि नेपाल में पोखरा में फॉरेन कल्चर है तो वहाँ पे वो लोग रखते थे. गोरखपुर में कुछ था ही नहीं, वो लोग रखते नहीं, सुनने वाले ही नहीं है. तो वहां से मैं लेके आया था. फिर मैंने और भी दोस्तों को सुनाया ये वो ये वो. फिर रॉक मेरे को मेरे कैलकटा के एक कजिन ने सुनाया. तो ये सब करके तो वही है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स का, फैमिली का तो है ही ऑफकोर्स. दादाजी मेरे हैज ऑलवेज बिन फैसिनेटेड. उनको अभी तक एग्जैक्टली नहीं बता समझ में आता कि मैं करता क्या हूँ, बट ही हैज ऑलवेज बिन फैसिनेटेड कि सही है तू अगर मुंबई जाता है और कर रहा है वैसा कुछ कर रहा है तो मस्त है. बढ़िया कर रहा है मस्त. बिकॉज़ ही इज आल्सो अ राइटर हिमसेल्फ, ही इज अ डॉक्टर वैसे, बट ही राइट्स एंड ही इज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेमचंद राइटिंग. हिज नेम इज प्रेमचंद्रा. तो ही इज आल्सो वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेमचंद राइटिंग. एंड मेरे को उन्होंने तो राइटिंग वो करी है, बताई है, पढ़ाई है, जो भी है. सो भाई देखो, जैसे अभी हम लोग फैमिली और फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, आई नो यू नो यू आर अ कमिटेड गाय, रिलेशनशिप में हो आप, आई हैव सीन योर गर्लफ्रेंड यू नो बहुत सारे इवेंट्स में. देख क्या अच्छा लगता है, यू नो वो बहुत रेयर होता है कि हिप हॉप गिग में यू नो किसी की गर्लफ्रेंड कंटिन्यूअसली मोस्टली सारे इवेंट में यू नो स्टिल सपोर्ट के लिए आती है. टेल मी अबाउट योर लव स्टोरी. वो भी सुनती है, वो मेरे से ज्यादा म्यूजिक सुनती है इनफैक्ट. मतलब उसने मेरे को बहुत कुछ सुनाया है, मतलब मेरे को ऐसा बताया, नॉट इन हिप हॉप बट इन लाइक जनरल म्यूजिक वाइज बहुत कुछ सुनाया है उसने. बट फ्रेंड्स है ब्रो, मतलब ऐसा मेरे म्यूचुअल फ्रेंड एक है हमारी, उसके थ्रू वी गॉट टू नो इच अदर. एंड वही है, वी जस्ट मेट इच अदर एट अ वेरी इम्पॉर्टेंट लाइक फेज इन आर लाइव्स, वेयर ट्रांजिशन फेज भी था. मैं भी एक मतलब ऐसा थोड़ा बीटी से डील कर रहा था उस वक्त. आई गॉट सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट वाली बात है. एंड वी गॉट टू नो दैट या मतलब दिस इज द पर्सन like whatever I was looking for अभी तक जो भी है, this is it. And couldn't have been anything better, can't be anything better than this. मतलब वही है कि ऐसा. And values मिलते हैं ना, सबसे important होता है values, family values and आप इंसान personal values, individual values, वो match करते हैं. साथ में grow करना है, साथ में explore करना है अपने अपने aspect की. तुम मतलब we help each other become the best version of ourselves and that's the thing. वो मेरी like वैसे तो आकांक्षा works as at Desk Cube basically, जो वैसे मैंने बोला पूरी team जो styling की team है, वो वैसे तो they work at different ऐसा companies and for like branding and stuff like that, but even styling is a kind of a branding. So they are into basically this is their forte, the way dresses and the way dresses are brought out and styling and all that, how people should look. So and they वही है कि उसको भी पता है hip hop के बारे में क्या scene है, तो उसको पता है कि कैसा दिखना चाहिए rapper को कैसा. That's why you are so stylish. स्टाइलिश हाँ भाई, मतलब मेरा तो पूरा मतलब वो तो उसने मतलब सिखाया है, समझाया है कि ऐसे होता है, ऐसे रागर ये होता है, ये तरीका ऐसा जो भी है. मतलब वो सेंस ऑफ सेंस, हाँ हाँ ब्रो, सेंस ऑफ ड्रिप, सेंस ऑफ वो वहीं से आता है. बट ये भी है कि एक तो पर्सनल लेवल पे उसको पता है कि बाकी तो सब ठीक है, बट उसको पता है कि सिंस देयर इज अ पर्सनल कनेक्ट, तो उसको पता है कि तू इन स्पेसिफिक कैसा दिखना चाहिए. तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन द लाइक डेली लाइफ आल्सो. मतलब और वो इम्पोर्टेंट पार्ट लाइफ में भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए भी है. प्लस वो पाइसी, वो भी पाइसी है ना, दैट्स व्हाई वो आर्टवर्क में पानी से इंटरेक्ट कर रही है. तो वो सब सीन है. बट वही है, उसने भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा है, उसने भी बताई काफी चीजें, उसका भी स्किट है इंटरल्यूड में. तो
वही है कि वो भी है, वो भी एक मतलब वी बोथ कीप ईच अदर इन ट्रैक ऑफ आवर लाइव्स एंड हेल्प ईच अदर ग्रो. सो इट्स दैट. सही है भाई, अच्छा देख के अच्छा लगता है भाई. और यू नो नजर ना लगे, सिक्योरिटी चाहिए होती है सबको. सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ लव एंड वो सब तो इंपॉर्टेंट होता ही. बट एक होता है ना, मोस्टली गर्लफ्रेंड इसलिए आती है गिग्स में, उनको पता मेरा बॉयफ्रेंड आर्टिस्ट है. अरे वो तो होता ही है, मतलब वो तो है, है ना? तो नहीं मतलब ऐसा नहीं, मतलब मैं तो उसको तो बोलता हूँ, मैं तो उसको कभी कभी बोल भी देता हूँ कि देख तूने ये गाने दसियों बार सुन रखे हैं, हाँ। तेरे को नहीं आना है तो मत आ, कोई मतलब कोई जरूरी नहीं आने का, कुछ आज बता. नहीं नहीं ऐसा तो कभी बोल, मतलब वो तो कोई सीन ही नहीं है. बट हाँ मतलब ऐसा मैं उसको बोल देता हूँ कि अब जैसे किसी गिग के बाद कहीं ऐसा कि मेरे को पता है कि इस गिग के बाद सब लौंडे ही लौंडे रहेंगे, उसके बाद कहीं आएंगे तो मैं बोल देता हूँ कि ठीक है या तो तू, और वो खुद ही बोल देती है, मतलब उसको वही दैट्स द ट्यूनिंग ना, उसको पता रहता है कि कहाँ उसको अगर तेरा सीन है ऐसा सीन है तो मैं आगे चली जाऊंगी या नहीं आना है. मैं वो बोल भी देता हूँ कि अगर यहाँ पे तूने 10 बार सुन रखा है तो यहाँ पे ऐसा क्राउड है, इसलिए यू माइट नॉट एंजॉय इट एज मच एज अ सर्टेन अदर गिग. तो ऑल दैट वही है. बट हाँ मतलब वही है कि हम लोग ऐसा, वो खुद भी सुनते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम लोग म्यूजिक को इन जनरल, चाहे देसी हिप हॉप हो चाहे ऑल्ट म्यूजिक हो, दिल्ली की सीन का जो भी है, तो मजे आते हैं. और सब दोस्त ही हैं सब इन दी एंड, देख के वो गैदरिंग भी सोशल वो भी हो जाता है कि दोस्तों से मिल लेते हैं. सम क्या, समझाने और समझने वाली. वही एग्जैक्टली यही 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 होता है परफेक्ट समझाने और समझने. अगर आपके लाइफ में है तो पकड़ लो भाई, शादी भी कर लो. आपके क्या प्लान है शादी के? अभी तो भाई खुद को तो कर ले सस्टेन, खुद को तो इंडिविजुअली सस्टेन कर ले. मैंने फ्यूचर में क्वेश्चन जल्दी पूछ लिया, बहुत जल्दी पूछ लिया आपने. चलो भाई, तो और इस जो जर्नी रही आपकी, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला ब्रो. मतलब ऐसा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं. लाइक आफ्टर कॉलेज हैज बीन अ ग्रेट हैसल बट अ ग्रेट टीचर ऑल्सो, बिकॉज मैं अगर दिल्ली नहीं आता, मैं अगर बाहर अकेले नहीं रहता, मैं अगर 10 चीज़ें खुद से नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंट रहने का पता नहीं मेरे को, हो सकता है किसी और तरीके से सीखता. बट आई एम जस्ट ग्लैड कि एक इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सीरियसनेस, मतलब भाई कि वो सारी चीज़ें सिखाएंगे कि सोसाइटी में रहना, अकेले सस्टेन कैसे करना है, ये सब चीज़ें कैसे सोशली कैसे बिहेव करना है, सो क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ें. और कैसे कितनी मेहनत करते हैं लोग, और वो अकेले देखता हूँ, जब मैं अकेले इंसान कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि भाई क्या क्या चल रहा है, लाइक क्या क्या स्ट्रैटाज हैं सोसाइटी में, तो वो सब चीज़ें अकेले रियलाइज होती हैं. एंड वही अब बैलेंस करना, पढ़ाई, 2 चीज़ें 3 चीज़ें, मल्टीटास्किंग सब कॉलेज ने सिखाया है कैसे करते हैं. मैं कॉलेज जाता था, वापस आता था, कॉलेज का काम करता था, बीच में कुछ गाने रिकॉर्ड करता था, वीकेंड्स पे मस्ती करते थे, गाने रिकॉर्ड करते थे, वापस बैक टू कॉलेज, बैक टू ग्राइंड. 3-3 दिन हम लोग शीटें बना रहे हैं आर्किटेक्चर की, और मंडे को हम लोग लाइक लेजिट क्लासिक मॉड 2 का ये है सीन है. मैं 3 दिन नहीं सोया था, मैं शीटें बना रहा था. मेरा इंटरनल एग्जाम या एक्सटर्नल एग्जाम था आई थिंक, तो मैंने एक्सटर्नल एग्जाम दे के मैं वापस आया घर, मैं सोचा कि सोऊंगा, बट इनका कॉल आता है मेरे को, अभी जगह कह रहा क्या कर रहा है, शूट करे क्लासिक मौत का, आ जा. तो मैंने कहा कि अब मैं या तो सो सकता हूँ या तो मैं मजे कर सकता हूँ, और 3 दिन खत्म हुए हैं मेरे जैसे तैसे, तो मैंने कहा चलो 1 दिन और मजे करते हैं. तो मैं चला गया वहाँ पे, तो वही ऐसा मजे लेना भी सिखाई है मतलब इस टाइम में. बट उसके बाद फिर रियल लाइफ चीज़ें भी हुई हैं, बाहर निकला मैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ रियल लाइफ सिनेरियोज वेयर आई एम लाइक ओके पढ़ तो लिया, बट आर्किटेक्चर में भी बहुत सारे सीन हैं. लाइक इट्स नॉट, जो भी हमने पढ़ा है वो कुछ भी, वही वो सनसनी में वही बोला है ना कि झूठ पढ़ा लिखा तुमने अक्सर ही पाएगा झूठ. तो वही हमारे लास्ट दिन मेरे कॉलेज वालों ने बोला कि भाई ठीक है तुमने पढ़ लिया है सब कर लिया है, हमारे फाइनल दिन जिस दिन हम मस्ती मारने गए हैं, हमारा फाइनल मीटिंग है टीचर्स के साथ, बोला कि पढ़ लिया अब यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है. तो और मैंने कहा भाई तो मेरे लिए है ही नहीं, मैं तो आर्किटेक्चर में आया इसलिए था क्योंकि मेरे को क्रिएटिव होना था, बट यहाँ पे तो क्रिएटिव का स्कोप ही नहीं हो, तुमसे गधों की तरह काम करवा रहे हैं बैठा के ऑफिसों में. तो एक बंदा है वो टॉयलेट लगा रहा है, तो वो टॉयलेट ही लगा रहा है, कॉपी पेस्ट करे जा रहे हैं ऑटोकैड पे, तो ये चीज़ करनी ही नहीं है. तो मैंने थोड़ा बहुत आई लाइक डिड माई फेयर शेयर
ऑफ शोज एंड ऑल दैट आफ्टर, बिकॉज उस वक्त मेरा फ्रैपे की भी एल्बम आ रखी थी शो टाइम, जो हम लोगों ने इंडिविजुअल एज वो करी कोलैबोरेटिव प्रोडक्ट वो करा है. ड्यूरिंग दैट टाइम आई लॉस्ट माई मदर ऑल्सो. ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ फेज इन माई ओन पर्सनल लाइफ एंड द प्रोफेशनल लाइफ, बिकॉज देर वॉज सम सिचुएशन गोइंग ऑन विथ अ सर्टेन लेबल. एंड मतलब मैंने बोला भी है नो लव इन द इंडस्ट्री में, बट वही है वो भी. एंड दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी बिग ब्लो कि मतलब किसी, अगर तुम इतना ट्रस्ट कर रहे हो किसी पे, वैसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, बट हुआ ठीक है जो भी है जिन्हें. तो वो भी उसने ही मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई वहाँ से. तो वही है मतलब एवरी थिंग हैज़ कल्मिनेटेड टू दिस पॉइंट वेयर. एंड देन उसके बाद आई ऑल्सो लाइक जहाँ पे मैं काम एक्चुअली उसके बाद when we were doing our tour, the one that I talk about in No Love, वो टूर करते वक्त भी मेरे और फ्रैपे को यही था कि हम काम कर रहे हैं मंडे टू थर्सडे, फ्राइडे तक काम कर रहे हैं. फ्राइडे को हम ऑफिस से सीधा भग जा रहे हैं एयरपोर्ट, और फिर हम कहीं परफॉर्म करके हम मंडे को सीधा ऑफिस आ रहे हैं. देहरादून में भी ऐसे ही गए, देहरादून हम गए थे. देहरादून में मेरे हम लोग मंडे सुबह 4 बजे तक देहरादून में थे, और हमें लकीली बस स्टैंड पे बस चली गई थी, बट लकीली हमें रात भर हम वहाँ खड़े हुए, लकीली हमें 4 बजे 4:30 बजे कैब मिली, हम उसमें बैठे और मैं सीधा उतरा हूँ ऑफिस. मतलब देखा जाए तो कुल मिला के जर्नी आपकी अप्स एंड डाउन बहुत सारे, कल्मिनेशन यही हुआ है, यही हुआ है. एंड वही ये इतना पूरा जर्नी को मैंने वही कोशिश करी है कि बताऊं और बता, मतलब उसमें और भी नुआंसेस हैं जो धीरे धीरे और गानों में हो सकता है आगे आएंगे बताएंगे. ये स्टोरी तो दसियों चीजें रही है हमेशा से. भाई मैं ना आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आर्टिस्ट के अंदर एक बिजनेसमैन वाले गुण कितने होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है बिलीव और यू नो इतने सारे आर्टिस्ट से बात करने के बाद ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैंने देखा है, मुझे ऐसा लगता है व्हाट आई फील कि एक कुछ पर्सन तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं कि जो बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है लेकिन उनको बेचना नहीं आता, तो वो वहाँ मात खा जाते हैं. या फिर आपको ऐसा एक बिजनेसमैन चाहिए, वो आपको एक ऐसा मैनेजर चाहिए होता है जो कि उसको अच्छे तरह से सेल कर पाए, आपको क्या लगता है? ब्रो दोनों चीज़ें हैं. एक तो आर्टिस्ट हमेशा आर्टिस्ट ही रहेगा, वो चाहे कितना भी सीख ले उसका काम हमेशा फर्स्ट शुड बी द आर्ट. ऑल्सो वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, कहाँ टारगेट करना है, कैसे प्रोपोगेट करना है, कैसे किस नीच को टारगेट करके वहाँ से फिर बड़ा करना है, माइक्रो टू मैक्रो जाना है, वो सब पता होना चाहिए. दोज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस दैट एन आर्टिस्ट इज नीड टू नो, बिकॉज वो चीज़ वही बता सकता है क्योंकि वो प्रोडक्ट उसी का है. तो अगर उसमें वो अगर इंसाइट दे देता है तो फिर बाकी लोगों के लिए, बाकी टीम्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है समझना कि एक्चुअली करना क्या है. प्लस ये भी बहुत ज़रूरी है कि साथ में जो तुम्हारी मैनेजमेंट है या तुम्हारे साथ जो लोग हैं उनको एक्चुअली पता हो कि तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है, हु यू आर एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट, एंड वेयर डज योर म्यूजिक बिलोंग इन अ सोसाइटी, एंड क्या करना है, वो सब चीज़ें. तो यही है ब्रो, मतलब दोनों चीज़ें. बट हाँ, इन द डे एंड कनेक्टिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट कि वो स्ट्रीमिंग वाला, कि स्ट्रीमिंग का टाइम चल रहा है एंड ऑल दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डे एंड एज वेयर इट्स द कीवर्ड इतना इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक, ये सब जो कीवर्ड्स हैं. तो ये सब वही है कि अगर इंडिपेंडेंट तुम्हें पता है कि तुम इंडिपेंडेंटली सस्टेन कर सकते हो, एंड इंडिपेंडेंटली तुम अपने साथ 4 और लोगों को सस्टेन कर सकते हो, तुम्हारी मैनेजमेंट है, बट यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट वो. एंड यू, एंड फॉर मी इट्स नॉट कि तुम किसी लेबल से, अगर क्योंकि इंडिपेंडेंट हो ना तुम, तुम किसी के लिए नहीं हो ना, तुम कहीं से अगर इन्वेस्टमेंट उठा रहे हो इट्स कूल, या तुम कहीं से तुम कुछ भी करो, तो वो भी ये सब चीज़ें भी एज अ बिजनेसमैन ही आती है ना. मतलब वही, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज एवरीबडी हुआ नो, मतलब ऐसा जो मैंने देखा था बिन गुड बिजनेसमैन, मेरा तो आई सेड जेजी रहा है इंस्पिरेशन, तो भाई डॉक्टर ड्रे जेजी 50 सेंट ये लोग रहे हैं इंस्पिरेशन, तो मेरे को पता है नहीं जेजी, बिकॉज जेजी इज माई फेवरेट, लाइक टॉप 1 नंबर 1, एंड आई एडमायर हिम ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही ऑलवेज न्यू एवरीथिंग, कि वो कहाँ क्या कब क्या करना है, कब क्या मूव करना है, तो उस वो उसको पता है, उसके लिए वो चीज़ एनेबल बाकी लोगों ने कर दी उसके आसपास, मैनेजमेंट ने, लेबल ने, चीज़ों ने, बट वो ड्राइविंग फोर्स तो खुद ही है. तो बस वही है, वो चीज़ अगर है तो उसके बाद हो जाता है. और देखो फाइनली देखा तो नाउ इट्स अ म्यूजिक बिजनेस. यस यस, जहाँ बिजनेस वर्ल्ड जुड़ जाता है
वहां पर यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको अपनी गेम वर्थ पता होना चाहिए, वर्थ जो आप अपनी गेम आगे की सोच 100% एंड दैट्स व्हाट लाइक एवरी आर्टिस्ट शुड नो. This is a thing for everybody out there. सारे जितने भी नए तुम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी इनको भी एक दो साल तीन साल पाँच साल हुए हैं या जो भी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू गेट योर नो योर बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक. बिजनेस ओवरऑल तो जो भी है बट बिजनेस पार्ट ऑफ म्यूजिक की तुम कितने में गाने किसको कितने में देना है, किसके कहाँ कितने में करने से क्या बेनिफिट है, कहाँ मास्टर्स कितने देने हैं, कहाँ रॉयल्टी रखनी है, कितनी रॉयल्टी रखनी है, कितनी रॉयल्टी देनी है, तुम्हारे साथ कोलैबोरेटर्स को कितना रॉयल्टी जाना चाहिए, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन को कितना रॉयल्टी जाना चाहिए, बीट प्रोड्यूसर को भाई कुछ. तो ये सारे दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ म्यूजिक बिजनेस जो बिल्कुल पता होना चाहिए सर. भाई मेरे को ये बताओ, देखो ट्विटर इतना टॉक्सिक क्यों है? आपकी ट्वीट्स ही पढ़ता हूँ मैं, और भी बहुत सारे लोगों की ट्वीट्स पढ़ता हूँ, और यू नो आप आर्टिस्ट बेसिकली क्या करता है, ट्वीट्स करके अपनी ट्वीट करके चला छोड़ देता है, उसके बाद जो टॉक्सिसिटी वहाँ पर होती है या यू नो कुछ भी आपने लिखा है, अगर सीधे भी नहीं लिखा वैसे करके लिखा है, किसी को शॉर्ट लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कहाँ से कहाँ जुड़ देते हैं, वो क्या टॉक्सिसिटी फैल जाती है, फिर वहां से यूट्यूब पे चली जाती है. हाँ आ जाती है आर्टिस्ट में, दोनों आर्टिस्ट में कई बार देखा, आर्टिस्ट दोनों साथ बैठे खड़ा करे, तूने ऐसा बोला, व्हाट डू यू हैव टू से? यार कुछ नहीं है मेरे तो, मेरे लिए तो ट्विटर इज अ सोशल एक्सपेरिमेंट फॉर मी. मेरे लिए स्टार्टिंग से ट्विटर मेरा सोशल एक्सपेरिमेंट ही रहा है, फॉर फन एंड आल्सो फॉर लाइक जस्ट टू सी कि अच्छा कैसे रिएक्ट करते हैं लोग, क्या तुम अब तुम्हें रिएक्ट कर रहे हैं ना. हाँ. तो वो एक कॉन्डुइट है जहाँ पे इंस्टा पे ऑडियंस डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकती, यूट्यूब पे डायरेक्टली नहीं कनेक्ट कर सकती. हाँ. वो कमेंट छोड़ सकती, दैट्स इट. वहाँ पे उन्हें पता है कि वो क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही बना ही उस चीज़ के लिए, डायरेक्ट इंटरेक्शन के लिए एंड ऑल दैट. तो अब चाहे वो इलॉन मस्क भी हो, वो भी कमेंट करता है, लोगों की रिप्लाईज करता है लोगों के, तो सबको पता है कि पीपल यूज इट लाइक दैट. तो कुछ बंदे उसमें, एंड मेरे लिए ये है कि आई सी दैट कि ये जो लोग हैं ये दीज आर ऑडियंस, दे सम ऑफ देम फॉलो सम ऑफ देम डोंट, दैट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज कितने लोग एक्चुअली इन्वॉल्व हैं तुम्हारी जर्नी में. एंड मेरे लिए ट्विटर बस वही है कि मैं लोगों को बताऊं कि मेरी जर्नी रह रही है, ये रही है, ये रही है, कोई आगे उसमें कुछ भी बोलता है. और मेरे तो सिंपल सीधी बात यह है कि मेरे को पता है कि वहां पे मोस्टली 95% ऑफ द पीपल हेट नहीं कर रहे हैं मुझे, वो सिर्फ या तो मस्ती कर रहे हैं या तो वो दे जस्ट वॉन्ट टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ इट. एंड दैट डजंट हैव टू बी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉन्टेम्प्रेरीज जो एक नेगेटिव रिएक्शन देते. मैं खुद बहुत स्टार्टिंग में आई वॉज फिगरिंग आउट की, तो आई वॉज लाइक ओके यू यूज टू गेट एजिटेटेड एंड ऑल की मेरे को क्या बोल रहे हो, बट देन आई रियलाइज कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, मेरे को उनको रिएक्शन चाहिए, उनको नेगेटिव रिएक्शन नहीं चाहिए. इफ यू आर पॉजिटिव एंड बिकॉज एज अ पर्सन आई एम नॉट दैट पर्सन, जो मैं कोई अगर मेरे को आके कोई कोई चीज़ बोलेगा कि भाई ऐसा नहीं है या मेरे को तो अच्छा नहीं लगा है जो भी है, तो मैं उससे पूछूंगा कि क्या है क्या नहीं है जो भी है. तो मेरे लिए बस वही है कि आई जस्ट बी हाउ हू आई रियली एम ऑन ट्विटर, इट्स द रियलेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ. एंड इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट, यू हैव अ प्रॉब्लम विद इट, इफ यू डोंट यू आर इन द टीम. बट भाई वहाँ ऐसा खतरनाक मैं देखता हूँ यार. मैं देखता हूँ, मैं आता हूँ बेसिकली, जैसे कोई मैंने पॉडकास्ट किया कुछ व्लॉग किया तो मैं आता हूँ, ट्वीट करते शेयर करते भाई ये आ गया व्लॉग प्लीज देख लो. तो मैं एक बार ऐसा देखा, मैं कई बार मैडम लोग तो वहाँ कुछ भी बोल देते, मैंने भाई यहाँ तो वापस नहीं आना. हाँ भाई इंस्टा अच्छा है. बट भाई ना ब्रो, आई नो दैट दे डोंट मीन हाफ, मोर देन हाफ ऑफ इट, 90% ऑफ द शिट दैट पीपल से ऑन ट्विटर दे डोंट मीन इट. In terms of like my ecosystem, of course, there's a lot going on, lot of important things. वो दिक्कत तब होती है जब वहाँ पर जो artist के fans पहुँच गए एक जगह. But वो भी कोई scene नहीं है bro. मतलब मेरे लिए ये है कि जब तुम्हारे, अगर तुम उस level पे हो, तुम्हारे fans हैं, तुम्हारे fans अब हर कोई opinions hold करता है और वो जगह सिर्फ opinions share करने की है और किसी ना किसी की opinion से किसी ना किसी को तो problem होगी होगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम अगर आज की डेट में तुम सोशल मीडिया पे जाके अपना ओपिनियन दो और चार लौंडे आके अगर हाँ सब हाँ नहीं हो सकता. तो इट्स जस्ट दैट वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी है कि तुम्हारे फीड के नीचे डायरेक्टली कमेंट करके बोल सकते हैं. तो थोड़ा सा इट जस्ट गेट्स, आई फील इट गेट्स थोड़ा सा टाइम टू गेट यूज टू इट, बट आई फील दैट
कुछ भी कोई वहाँ पे सब मस्ती कर रहे हैं, बच्चे हैं, आपके रिप्लाई भी देखे हैं, हाँ भाई सब मस्ती कर रहे हैं, अम्मी मस्ती कर रहे हैं। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि कोई मस्ती कर रहा है, मैं मस्ती कर रहा हूँ, तो फिर बंदे वो बंदे ऑफेंड हो जाते हैं कि तू, और फिर मैं बोलता हूँ कि यार ये तो हिपोक्रेसी है, मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, तुम मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, बट मैं तुम्हारे साथ मजे लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब बट दैट्स जस्ट एक दो केसेस है वो, बट भाई ये केस स्टडी है भाई, क्या है मेरे लिए सोशल मीडिया भाई है, इट्स अ सोशल एक्सपेरिमेंट एंड केस स्टडीज। मतलब आपके केस बहुत अच्छा है, बट मैंने अदर आर्टिस्ट के भी केस देखे हैं। हां मतलब है लेकिन थोड़ा सा टॉक्सिक है, आई नो आई नो, बट ये आप सही, आप आते हो एक्सपेरिमेंट करा, फन करा, चलिए एग्जैक्टली। इसके बाद होती है कंट्रोवर्सीज, तो मैंने देखा है तो आधी कंट्रोवर्सी तो हो जाती है, आधा मैं करा देता हूं, पर आर्टिस्ट गिल्टी एज चार्ज्ड। और आर्टिस्ट की लाइफ में कंट्रोवर्सी रहती रहती है, चाहे आप कितना भी बचो, यू नो इधर उधर भागो, अगर 10 होंगे दो तो चिपक जाती है, ठीक है। तो आप कैसे डील करते हो कंट्रोवर्सीज को जब होती है उस टाइम पे, यू नो माइंड में क्या होता है, कैसे उसको सोल्यूशन ढूंढते हो, कैसे निकलूं उससे, बचूं यार क्या करूं। मेरे साथ ब्रो ऐसा कभी कंट्रोवर्सीज ऐसी हुई नहीं है जहाँ पे मतलब ऐसा, बट हाँ मतलब ऐसा बहुत बार समथिंग दैट आई फेस्ड एंड फेस स्टिल फेस अलॉट, कि मैं कितना भी गाना निकाल दूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे अगर किसी ओपिनियन से किसी को कोई दिक्कत है तो वो न्यूज़ बन जाती है। हाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई मैंने क्या गाना निकाला है, बट उनको न्यूज़ सबसे पहले, मेरे गाने का अगर कोई आया तो वो न्यूज़ में यूट्यूब में सबसे एंड में जो 5 सेकंड होते हैं उसमें बोल देंगे कि गाना आया सुन लो और ख़त्म हो जाता है, बट अगर कुछ ऐसा होता है आगे पीछे होती है तो पूरी एक सेगमेंट बनती है, सेगमेंट बनती है। दूसरा अगर आपके गाने में कोई लाइन है, मान लो आपने किसी पर शॉट लिया है या आपने ऐसे ही बोला, ऐसे ही बोल दिया, हाँ। तो गाइस मेरे को ऐसा लगता है ये आप बताओ कि हाँ, ये लाइन किसके लिए बोली है। वही बट दैट्स व्हाट इट इज, कि परसेप्शंस बिकम फैक्ट्स व्हेन दे आर नॉट, दैट्स द प्रॉब्लम। कि अब किसी ने बोल दिया कि अच्छा फलाने ने इसको इस गाने में डिस किया है, अब वो भले ही ना किया हो बट क्योंकि वो बात बढ़ रही है, हवा बन रहा है, तो फिर उस पर अब वो न्यूज़ बन जाती है। अब वो न्यूज़ में ये थोड़ा, क्योंकि दैट्स क्लासिक न्यूज़ टेक्निक, मीडिया टेक्निक ही है ये। अगर मीडिया को कुछ बताना होगा वो क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज़ करना उनको पता है, वो उसी की गेम है। तो इट्स जस्ट दैट, और वो क्वेश्चन मार्क और उसका फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पहले जो बोला गया है वो इतना मतलब तड़कता वड़कता सनसनी होती है वो, कि वो अगर क्वेश्चन मार्क हो भी तो वो उनके डिफेंस के लिए होता है कि भाई मैंने तो क्वेश्चन मार्क लगाया है, मैं तो पूछ रहा हूँ, बट लोगों को पूछना दिखता नहीं है ना, लोगों को तो वो हेडलाइन दिखती है, वो ये ना कहाँ हूँ आप, वही अभी पूछ रहा है बता रहा है, हाँ हाँ वही वही वही, अगर पूछ रहा तो क्वेश्चन मार्क लगा, हाँ वही हाँ। तो वही है कि ये सब चीजें होती हैं, मैं डील कुछ इतना मतलब वो नहीं होता, मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला है तो मैंने बोला, मेरे ओपिनियन है, मैं उससे कभी हटूंगा नहीं, और वो मैं बोलूंगा, वो मैंने बोला है क्योंकि मतलब मेरे को अगर नहीं बोलना होता तो मैं 10 बार सोचता ना, मैंने बोल दिया, मेरे है ओपिनियन, अब क्या करूं मैं, अब नहीं अच्छा लगता है, कुछ नहीं अच्छा लगता है, भाई अनफॉलो कर दे, हाँ मतलब वही एग्जैक्टली, एंड इट्स नॉट इवन अबाउट दैट, बिकॉज़ आई नो कि अगर कल को कुछ भी होता है तो कहीं ना कुछ कोई ना कोई बोलेगा ही, उसके 10 वो होंगे आउटकम, उसमें 4 लोग और भी घुस जाएंगे मे बी, बट मेरे को नहीं। ग्रेट भाई आप कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहे क्योंकि आप मेरे शो पे नहीं आए थे, अब आपका डेब्यू हो गया तो आज क्या कर रहे हैं यार, इन इन बातों से निकाल दे के लोग भाई, यू नेवर नो, हां ब्रो अरे कुछ भी नहीं, बट एज एन आर्टिस्ट ग्रेट की नो, जितना कंट्रोवर्सी से दूर रहो उतना बेटर है। हाँ एल्बम और ईपी के टाइम पे बहुत अच्छा है, फायदा होता है, और गाने बना रहे हैं, दैट्स इट, हमारा काम, हम किसी को ऑफेंड करने नहीं आए, अगर हमारे सच बोलने से किसी को ऑफेंड हो जा रहा है भाई क्या करूं, हम तो अपना, और वो मेरा सच है, हो सकता है किसी के लिए किसी के लिए कोई गाना बहुत अच्छा हो मेरे लिए नहीं अच्छा लग रहा, मेरे को मेरे अपने आइडियोलॉजीज है, मैं कहीं और से आ रहा हूँ, तो आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन दैट यू लाइक इट, रिस्पेक्ट माय ओपिनियन दैट आई डोंट। सही बात है। अभी रिसेंटली ना भाई मैंने कश्मीर भाई का इंटरव्यू किया था, yes. तो यू नो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज अपकमिंग, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट दिस इज 100%। आप क्या भाई ने बात की, तो मैं ये जानना चाहता हूँ बैट
आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उसमें इतने बड़े बड़े नाम है. यस, बट आप जब सुनोगे मेरा गाना, वो गाना इतना इंपॉर्टेंट है ना पूरी एल्बम के लिए कि मतलब नॉट सेइंग बाकी गाने का क्या सीन है जो भी है, स्टोरी वाइज वो गाना जो उन्होंने मेरे को अलाउ कराया करने के लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है फॉर द एल्बम. एंड देम ट्रस्टिंग समबडी लाइक मी जो नंबर्स में हाइप में इतना, बाकी जो कंटेम्प्रेरीज हैं उस एल्बम पे उतना नहीं है, बट देम आई वॉज इन रांची, आई हैड अ शो एंड रात को मैंने टेक्स्ट करा, ऐसे कुछ तो बात हो रही थी मेरी आयुष्मान से, तो आयुष्मान ब्रो सेड की सुबह मेरे को उन्होंने टेक्स्ट करा कि व्हेन कैन यू बी इन मुंबई. आई वाज लाइक व्हाट, मतलब क्या सच चल रहा है ये. एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ये भी सीन है कि आई डिड नॉट नो कि व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द साउंड, व्हाट इज हैपनिंग. तो बट वही है कि मी गोइंग देयर, आयुष्मान ऑल्सो नोइंग मी फ्रॉम माई वर्क एंड हिम like introducing me to Kashmir bro by saying ki he's a great storyteller, that gave me a like a position ki okay main is album mein ye karne wala hu. So and that gave Niles bro also a perspective ki kya karwana hai mere se Kashmir bro, ki he is a storyteller so he needs to do this, is ye hai. To aur bhi kafi humne studio mein baith ke ideas discuss kare the ki kya kisi ke sath feature mein aana hai ya kaise kaisa gana banana hai ya kya karna hai. To but he just told me ki this is the concept and this is a important big important space that is missing and he wanted to see if I can do it. And hum log sath mein studio mein baith ke I pulled through, I did it and wo unko acha laga bahut. And there's a featuring artist on it also, और उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने स्टूडियो, वो मेरे बाद स्टूडियो में थे और उन्होंने बोला कि करना है मेरे को इस गाने पे तेरे साथ. एंड मैंने बोला प्लीज इट्स एन ऑनर टू लाइक डू इट. तो वही है, मतलब ऑल इट ऑल इज जस्ट वेरी सरियल फॉर मी इवन नाउ कि इतनी बड़ी एल्बम आ रही है और उसमें इतना इम्पोर्टेंट गाना उन्होंने मेरे को दिया है. एंड इट्स जस्ट अ टेस्टमेंट कि आर्ट, जब एक आर्टिस्ट जो जानता है चीज़ें वो फिर अगर काम करने पे आता है तो फिर उसको नहीं फर्क पड़ता कि कितने व्यूज हैं और कितने स्ट्रीम्स हैं और कितनी हाइप है और कितने फॉलोअर्स हैं, वो उसको काम पता है. एंड दैट्स व्हाट इट इज, व्हाट आई फील कि इज ना कि इंडिया में जो मैं देखा हुआ अपने आप से ऐसा कि अगर मैं आर्टिस्ट हूँ टॉप नॉच, मैं अगर कोलैब तो मैं देखूंगा कि मुझे फायदा हो रहा है उस आर्टिस्ट से. फॉर एग्जांपल ना मैं अगर किसी भी एक्सेलेंट आर्टिस्ट को दूंगा, हाँ भाई अच्छा मैनेजर बोल रहा है इसके क्या नंबर भाई, इसके इतने सब्सक्राइबर है, स्ट्रीम पे इतने ऑडियंस एक्सचेंज होगी, फायदा होगा उसके ऑडियंस का. बट यू नो व्हाट इज, ये जो बोल रहा हूँ रियल टैलेंट है ना कि वो मैं मोस्टली देखता हूँ इक्का भैया के साथ 100% कि वो सुनते हैं उनको पसंद आ गया करना है. हम बात भी करते हैं फोर्समी, मैंने कभी देखा नहीं कि यू नो ही टॉक अबाउट इक्का भाई किस किस के साथ, मतलब एवरी गुड आर्टिस्ट ही इज फाइंडिंग हिज डूइंग कोलैबोरेशन. कभी हम अभी डिस्कस नहीं, मतलब बात करते कि उसको वो देखते नहीं कि यू नो उसके इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने वो स्ट्रीमिंग पे इतने हैं, कुछ नहीं. वो तो भाई क्या सही बात करता है, क्या फ्लो है, आवाज खत्म. वो मेरे कश्मीर ने सुना होगा आपको, स्टोरी टेलिंग मुझे पसंद है, आई वांट दिस गाय ऑन माय एल्बम. वेरी 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 एक अपना रियल टैलेंट, एग्जैक्टली रियल टैलेंट को पहचानते ना तो तब चीज बहुत बड़ी बन के निकल. और वही है ब्रो, दैट्स अ टेस्टामेंट टू द फैक्ट कि कितना भी नंबर नंबर कर लो, कितना भी ये कर लो, इन द एंड व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी एंड द स्किल सेट एंड द टैलेंट दैट इज देयर. एंड अब ने इतना वो है, इसका एग्जांपल दिया है सेम लाइंस पे, इसी कन्वर्सेशन पे ये भी एक वो था कि जैसे केस स्टडी है बहुत अच्छी एंड इट काइंड ऑफ दैट्स दैट एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब जैसे ये रफ्तार भाई और प्रभ का जो ट्रिपी आई है ट्रैप प्रा, मैंने दोनों को यही टेक्स्ट करा था, बात कर रहे थे हम लोग, तो मैंने दोनों को यही बोला कि ब्रो ये इतना इम्पॉर्टेंट था ना कि दिस ब्रेक्स द होल, वो कि कौन सा आर्टिस्ट किस आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर सकता है, वो नॉर्म ही ब्रेक कर दिया उन्होंने. नोबडी एक्सपेक्टेड रफ्तार भाई टू कोलैबोरेट विद प्रदीप
नॉट ऑन ट्रैक्स ट्रैक्स आई गेट इट बट डूइंग अ होल ईपी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट वो बहुत इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट बट इट्स इवन ग्रेटर बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वहां से अब काफी कोर्स चेंज हो गया एक जो परसेप्शन था लोगों का वो ब्रेक हो चुका है तो वही है कोलैबोरेशन एनीवे इज द वे टू गो इन द फ्यूचर फ्यूचर दैट्स द की एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे बाहर से भी क्या कहते हैं कश्मीर जैसा लेवल का कैलिबर का बंदा आके यहाँ पे सबके साथ काम कर रहा है हर स्ट्रैटा से एक इंसान उठा के वो उसके साथ एक गाना बना रहा है एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग रिप्रेजेंटेशन एवरी सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया में जो भी है मेरे सुनने वालों को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है जो भी और फीचर्ड है सबको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है तो इट्स ग्रेट सही है भाई इतना सही बात बोली आपने एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रोजेक्ट थैंक यू सो मच ब्रो जस्ट हाइप्ड फॉर इट मैं भी वेट कर रहा हूं कि कब सुने भाई अच्छा भाई ऐसा बोलते हैं इंडस्ट्री में फ्रेंड्स भी होते हैं सच है नहीं मतलब पता नहीं मेरे लिए ये है कि मेरी इंडस्ट्री में तो जो मेरे पीयर्स हैं जो भी कंटेम्प्रेरीज हैं सब मेरे दोस्त ही हैं दैट वे तो अगर बट आई थिंक इंडस्ट्री में फ्रेंड्स नहीं होते वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वाला कम है ज़्यादा इसकी है कि आर्टिस्ट वर्सेस द इंडस्ट्री द सिस्टम द मशीनरी वो ज़्यादा एंड दैट इज ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट 100% बट इन टर्म्स ऑफ लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा है कि मेरे साथ फैजान है सैज है हम लोग एक टीम है हम लोग भी एक मशीनरी है बट हम लोग काम इतने अच्छे से इसीलिए कर सकते हैं बिकॉज हम लोग सब दोस्त सैज और मैं काम इसलिए करें क्योंकि हम लोग दोस्त हैं पहले ऑनको रागा काम फ्रैपे यशराज इवन इक्का भाई हम ऐसा नहीं है ना कि हमने कोई किसी ने बोला कि इक्का भाई ऐसा कोलैब करना जाके कोलैब कर हम कनेक्ट किया हमने ही अंडरस्टूड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम तो व्हाट्स माय साउंड मेरे को समझ में आएगी मेरे को कहाँ कौन से गाने पे इक्का भाई को फीचर करना है कहाँ कौन से गाने पे यशराज को फीचर करना है एंड ऑल दैट तो फॉर मी इट्स जस्ट दैट कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है दोस्त होना बहुत ज़रूरी है तब जाके वैसा काम होता है एंड एंड ऑल्सो लाइक डिफरेंट लेवल्स पे अब ये अलग टाइप के दोस्त हैं मेरे जो मेरे साथ स्टार्टिंग से रहे देन देर इज डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल अल्ताफ हो गया या सम्मोहित हो गया या इवन कृष्णा भाई हो गए और भी बहुत लोग हैं तो इनको भी मैं बहुत टाइम में जानता हूँ बट अलग तरीके का बॉन्ड है अलग तरीके का एक क्या कहते हैं टैंजेंट है वाइब है तो एवरीथिंग वर्क्स बट वही है कि जो ये कहावत है कि नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री या नो लव इन द इंडस्ट्री जो भी है वो यही है कि वहाँ पे तुम काम करने आ रहे हो तो काम करो वहाँ प्यार ढूंढने जाओगे वहाँ पे वैलिडेशन सीख करने जाओगे वहाँ पे एक्सेप्टेंस ढूंढने जाओगे तो बहुत दिल दुखेगा इज दैट अगर मैं आपसे पूछूंगी ना हुज योर क्लोज फ्रेंड फ्रॉम द इंडस्ट्री तो आप किन के नाम लोगे यही ब्रो मैंने तो ले लिया मतलब ऑलरेडी वही है कि सैज फैजान मतलब भैया ना फैजान ब्रो को भी मैं आई थिंक सैज को मैं 10 साल से जान रहा हूँ 11 साल से जान रहा हूँ लेकिन फैजान ब्रो को मैं 3 साल से जान रहा हूँ बट वो पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि वो इंसान इतना अच्छा है कि उस तरीके से बात हो पाती है उस तरीके से वो इकोसिस्टम उतना सेफ फील कराता है जो भी है एंड देयर आर मेनी सच पीपल जो इनको मैं बहुत कम टाइम से जानता हूँ बट यशराज को मैं बहुत कम टाइम से जानता हूँ बट मेरे को पता है एग्जैक्टली वो बंदा कहाँ से आता है क्योंकि उसका द वे ही इज ब्रॉट अप द वे आई एम ब्रॉट अप इज द सेम तो लाइक प्रीटी मच लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पैरेलल्स तो यही सब सीन है बाकी तो ये लोग तो हैं ऑफ कोर्स फ्रैपे मेरा क्रूमेट है फुलपार सैज फैजान मेरी टीम है रागा मेरा पहला दोस्त रहा है जो 16 साल का था रागा मैं 17 साल का था तब मिले थे हम लोग पहली बार बिट्स पिलानी में रैप फॉर्स में अच्छा तो वो तब से दोस्त है मेरा सीधे मौत तब स्पिट डोप साथ में पूरा करा है हमने सीधे मौत स्टार्टिंग से रहा है मेरे साथ तो ये सब यही सभी दोस्त है ये आपस में बाकी ये लोग बाकी सब ग्रुप में वही है ना कि दिल्ली तो पूरा दोस्तों का ही सीन ही है रेबेल हो गया आपका हुजूर हो गया जो भी जितने भी लोग हैं दिल्ली में हुड़वाली बात चल भाई हाँ भाई एग्जैक्टली सही भाई भाई अभी आधा साल हुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग एल्बम आपने निकाल ठीक है लोग पसंद कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं अगर मैं पूछूँ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में तो या आधे साल में क्या कर रहे हैं कश्मीर वाला गाना आ रहा है हाँ
उसके अलावा क्या प्लान है? मतलब कुछ कुछ फीचर्स आएंगे इधर उधर लोगों के साथ, एक दो इम्पोर्टेंट काफी अच्छे फीचर्स आएंगे एंड काफी कुछ है एक्चुअली. आई एम वर्किंग ऑन अ फ्यू कोलैबोरेटिव शॉर्ट प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव ईपीज विद सर्टेन आर्टिस्ट एंड फुल पावर की मिक्स टेप पे काम चल रहा है. फुल पावर की मिक्स टेप पे बहुत हो चुका है इनिशिएशन काम का, वो चल रहा है. एंड अगला वही है, फ्रैपे भी जंकी पे काम कर रहा है तो उसमें भी है एक वर्स, उसमें भी है तो वही है बस. लेकिन वही है कि फॉर दो चीज़ें तो मेन वही है कि एक तो फीचर्स जो बहुत लिमिटेड होंगे बट जो होंगे तो बहुत ही अच्छे आने वाले, और रुकना नहीं है, गाने बनते रहेंगे, गाने बनते रहेंगे जैसे जैसे मन, जैसे जैसे समझ में आएगा कि अच्छा ये गाना ऐसे डालना है, ये गाना ऐसे डालना है तो डालते रहेंगे. क्योंकि भाई मैंने बोला ना कि खुल गया है वो एक नया जोन, तो अब चुल है कि लिखने की, करने की, गाने बनाने की, काम खींच के रखने की. यहाँ से कुछ अलग ही इस एल्बम से और यहाँ से आपकी कुछ अलग ही शुरुआत. यस यस, ऑल द बेस्ट भाई फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. थैंक यू सो मच, खतरनाक काम करो. थैंक यू सो मच जी, फॉर काम करो. यस एंड भाई, फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी मायो, तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा. सिम्बा और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ सामान है. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच. शाउट सिम्बा फॉर दिस. माय एल्बम रिलीज हुई है. यस यस, नो सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट. थैंक यू सो मच. नीचे ना सर, ऊपर नहीं रखना है. ठीक है, बस ठीक है. एंड माय अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए गिफ्ट बॉक्स है. ओह माय, थैंक यू जिसकी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. यू कैन अनबॉक्स. शाउट अर्बन मंकी फॉर दिस. Crazy. Shout out to Urban Monkey for this. Oh, nice. Bhai. Crazy. Safe, bro. Crazy. Mask. Crazy. Sorry. Dope. Nice. Thank you, bhai. Thank you. And bhai, first time up. Podcast, bhai. You know, yes. इतने 10-11 साल से हम जानते हैं एक दूसरे को. Yeah, first time आया show पे. कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा, bro. बहुत अच्छा. Long awaited, long due. बट मेरे को तो पता ही था कि करना है, जब करेंगे तो अच्छे से करेंगे, मजेदार करेंगे, इनसाइटफुल भी करेंगे बट मस्ती भी करेंगे. तो भाई कर दिया, गुड टाइमिंग फॉर बोथ ऑफ अस. यस यस, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम. यस यस, 100%. थैंक यू सो मच. थैंक यू.